अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम कलर का हार पहुंच गए हैं, तो ये आमिर भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या टूर का प्लान है। तो बताइए आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से निकले हैं और क्या प्लान है आपका टूर का? हम अल्हम्दुलिल्लाह कल रात को घर से निकले थे। अच्छा अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सबसे पहले सारे भाइयों को ये है वो मेरा सलाम। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह कल रात 10:30 बजे घर से निकले हैं। सही। लेकिन लाहौर रेलवे स्टेशन, लाहौर जो नियाजी अड्डा है, लारी अड्डा है, हर जगह पे बहुत रश था ईद के पहले दिन। और हमने फिर वहीं पे स्टे किया, रात गुजारी। सही, और सही। फिर आज सुबह मतलब ईद के दूसरे दिन हम नियाजी अड्डे आए, वहाँ से हमें बस मिली स्काईवेज की। सही सही। तो उस बस पे हम अभी बैठे हैं और रावलपिंडी की तरफ जा रहे हैं। सही सही। और हमारी जो बाइक है वो भी गाड़ी के अंदर ही है। अच्छा अच्छा। हम अपनी बाइक के साथ हैं। इंशाल्लाह जो हमारा अगला सफर होगा वो एबटाबाद का होगा। सही सही। और रावलपिंडी से एबटाबाद का सफर हम अपनी बाइक पे करेंगे। सही सही। और वहाँ पे आपको रास्ते में जितनी जगह आएंगी वो भी एक्सप्लोर करेंगे। सही सही। इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे आप भी हमारे साथ। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि एबटाबाद में आप कौन कौन से एरियाज में जाएंगे? आप एबटाबाद में सबसे पहले हमारे एक दोस्त हैं, हम उनके पास जाएंगे। सही सही। और सजीकोट के पास ही उनकी रिहाइश है, उनके घर में हम स्टे करेंगे। उसके बाद हम सजीकोट आबशार जो है वो विजिट करेंगे। सही। रेला वाटरफॉल है वो विजिट करेंगे। अच्छा। और भी मजीद बहुत सी जगह है, मनसेरा सिटी भी विजिट करेंगे। ठंडियानी वाला कोट, ये सारी जगह इंशाल्लाह आपको जो है हम एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप जो हमारी पब्लिक है इसको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि टूरिज्म करनी चाहिए तो क्या करना चाहिए और कहाँ कहाँ जाएं? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान ही बहुत खूबसूरत है। सही। और जो हमारे ये नॉर्दर्न एरियाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पूरी दुनिया में मशहूर हैं और बाहर से टूरिस्ट आते हैं। सही सही। लेकिन हमारी हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा इसकी जो है ना इस चीज़ को तरतीब दें। हाँ बिल्कुल। हमारे जो बस टर्मिनल्स हैं, हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं, अगर हमने जाना है तो वहाँ पे बहुत जलील होना पड़ता है, बहुत कोई सहूलियात मौजूद नहीं है, टूरिस्ट को कोई सहूलत नहीं मिलती है, कोई सहूलत नहीं मिलती है। तो इस चीज को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। फिर दूसरी बात है, काम होना चाहिए थोड़ा। बाकी ये है कि इनके जो चार्जेस हैं, फेयर्स हैं, वो आपने देखे ही हैं, मनमानी करते हैं। अभी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है तो चार्जेस इनके ज्यादा हो गए हैं, डबल कर दिए हुए हैं। अभी हम बाइक साथ लेके आए हैं, हम पहले ही बाइक लेके गए थे, वो 800 में हमने पहले बुक करवाई थी गाड़ी में, अभी 1700-2000 ले रहे हैं उसका। तो ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और कोशिश करें ईद के दिनों में ना जाए, 3-4 दिन रुक के जाए। हाँ, और फिर कभी प्लान करें। सही सही। और घूमना फिरना तो चाहिए, ऐसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी जमीन पे घूमो फिरो। बिल्कुल। और देखो मैंने क्या कुछ पैदा किया। सही सही। वो एक अरबी का मकूला है ना, अस-सफरु वसीलतुज़ ज़फ़र, कि सफर कामयाबी का एक ना वसीला है, जरिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही। तो ठीक है नाज़रीन, बहुत अपना ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।